बांग्लादेश ने यहाँ पे ली है बॉलिंग और पहले होगी बल्लेबाजी भारत की। तो ओपन करने वाला थोड़ा सा चेंजेस है गाइस टीम में। जो टीम हमने पहले खिलाई थी उसमें देवदत्त पडिक्कल की जगह यहाँ पे केएल राहुल को मैं ओपन करा रहा हूँ और सुरेश अय्यर जो कि ये पोजीशन नंबर 3 पे पहले केएल राहुल ने संभाल रखी थी, अब वो जो है सुरेश अय्यर खेलने वाले हैं उस पोजीशन के ऊपर। और यहाँ पे लाइक देवदत्त पडिक्कल को अभी रेस्ट दिया गया बिकॉज मैं यहाँ पे टेस्ट करना चाहता हूँ थोड़ा सा केएल राहुल को कि ओपन में ये थोड़ा सा कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं। 3 नंबर पे अच्छा करा है इन्होंने ऑलरेडी, बट अब मैं चेक करना चाहता हूँ नंबर 1 पर ओपन के साथ। यहाँ पे पहली गेंद के लिए तैयार, टेकिंग गार्ड यहाँ पे लाइक मैंने गार्ड ले लिया। यहाँ पे पहली बॉल सामना करेंगे यहाँ पे अहमद की पहली गेंद। तो यहाँ पे 30 स्लिप के साथ बांग्लादेश तैयार है पहली गेंद सेकेंड टेस्ट मैच की। ओह बहुत बाहर और एक बेहतरीन लीव, काफी ज्यादा बाहर, हल्का सा पड़ने के बाद अंदर की तरफ सीम हुई है लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना होनी चाहिए एक सीमिंग कंडीशन ट्रैक पे। तो अभी लाइक ये बल्लेबाजी पिच समझ में आ रही है अभी तक मुझे, बाकी देखते हैं किस तरीके से लाइक खेलती है पिच। तो चलिए बेहतरीन दो गेंदें यहाँ पे अहमद की बाहर की तरफ आउटर ऑफ स्टम्प खिलाते हुए। ओह ये और क्लोज लाते हुए यहाँ पे स्टम्प के, एक बेहतरीन शुरुआत यहाँ पे अभी तक। फिलहाल पहली गेंद ज़्यादा ख़राब थी लाइक बहुत ज़्यादा विड्थ दी थी वहाँ पे और बहुत ज़्यादा बाहर भी थी, लेकिन पिछली दो गेंद ये अच्छी गेंद। एक और बेहतरीन गेंद, एकदम गुड लेंथ ऊपर से निकालते हुए है एक्स्ट्रा बाउंस अहमद, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे। 3 गेंद है, एक और बेहतरीन गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप यहाँ पे वही लाइन पे लगातार डाल रहे हैं। अभी थोड़ा सा एक समझना होगा, अभी इंतजार करते हैं इस ओवर, मैडन ओवर जाता हूँ फिलहाल लेकिन अहमद का यहाँ पे। चलिए कट निकाला है लेकिन पॉइंट के हाथ में, मैडन ओवर के साथ जो है करेगी शुरुआत बांग्लादेश। अहमद यहाँ पे पहला ओवर मैडन और अब जो है स्ट्राइक पे आएंगे केएल राहुल। आंकड़े अच्छे हैं इनके, स्ट्राइक रेट 55 का है, एवरेज भी 34 का है, लेकिन थोड़ा सा और सुधार देखना चाहेंगे इन आंकड़ों में केएल राहुल के। इब्नदूत हुसैन तो यहाँ पे 9 रन बना दिए लाइक पिछले ओवर में, थोड़ा ही दे दिए। चलिए सही के थोड़ा सा फ्रंट फुट निकाल के उसको सॉलिड डिफेंस करा है इस बार, हल्का सा स्टंप पर गेंदबाजी अभी की जा रही है यहाँ बांग्लादेश की तरफ से और एक और एक्स्ट्रा स्लिप ले रखी है अभी। कोई भी चांसेस मुझे लग रहा छोड़ना नहीं चाहते हैं यहाँ पे बांग्लादेश की टीम कि एक भी लाइक अगर बॉल पीछे जाए तो सीधा विकेट यहाँ पे लाइक चाहिए उनको, पर अभी तक खाता नहीं खुला है हमारा। 8 गेंदें खेल चुके हैं अभी तक खाता नहीं खुला है।
स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी, इसको लाइक फ्लिक कर सकता था मैं, ढकेल सकता था। ठीक है, अभी दोबारा आएगी यहाँ पर गेंद तो फिर घुमा दूंगा लाइक में, लेग साइड पर, स्क्वायर लेग पे पूरा का पूरा गैप मौजूद है अभी। फाइन लेग पे फिल्टर लगाया हुआ है। अच्छा शॉट है लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, मिड ऑफ तैयार। एक सबली शुरुआत फिलहाल भारत की, चार ओवर होने वाले, नौ रन अभी तक लगे। हमारा खाता ही नहीं खुला, दस गेंद हो चुकी भाई, ये भी ओवर मेड जाता हुआ। ये अच्छा शॉट है इस बार, लेकिन सामने की तरफ डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट ड्राइव शॉट और मिल जाएगा। अब चौके के साथ खोलेंगे अपना खाता। बेहतरीन शॉट, ये देखिए एकदम, देखते रहिए शॉट को, निगाहें आपकी हटेंगी नहीं। ओहो हो हो, क्लासी वड़ा कवर, सामने की तरफ स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव बोल रहा हूं सॉरी मैं, यहां पे स्ट्रेट ड्राइव शॉट, क्लास दिखाते हो यहां पे। चलिए इस बार से फ्लिक कर दिया स्क्वायर की दिशा में, फाइन लेग का फील्डर इंटरेस्टेड, एक रन मिल जाएगा यहां पे। तो उसी के साथ चार ओवर 14 रन बेटा हिंदुस्तान की भारत, और इस ओवर में आए हैं आपके पांच रन, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास कैप्टन। ओ अच्छी गेंद, थोड़ा सा बीट करा इस बार, पढ़ने के बाद अंदर की तरफ सीम, लाइक डबल माइंडेड वहां पे, पहले मन बनाया था कि थोड़ा सा जो है कट मारेंगे या फिर ड्राइव खेलेंगे कवर्स की दिशा में, लेकिन अंत में जो है उसको लीव करा, तो थोड़ा सा डबल माइंडेड वहां पे, और ये घातक हो सकता था, बट भाग्यशाली कि वहां पे कोई भी दुर्घटना नहीं और अभी भी क्रीज पे मौजूद। ये अच्छी गेंद है, एकदम जो है स्टंप पर अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे जो सारे के सारे गेंदबाज, वो आउटसाइड ऑफ स्टंप से अंदर की तरफ। एक और बेहतरीन शॉट इस बार, एकदम कॉपी एंड कट, पिछले शॉट का आप एक्शन रिप्ले देख लीजिए, वही था ये। व्हाट अ शॉट सामने की तरफ, हेड का पोजीशन देखिए और बल्ले का एकदम सामने, क्लासी शॉट, इतना सीधा गया है कि सीम भी एकदम सीधे जाती हुई धड़कते धड़कते। तो एक और बेहतरीन चौका, यहां पे दो चौके आ चुके हैं अभी तक इस इनिंग में, और दोनों के दोनों स्ट्रेट ड्राइव, दर्शाता ही है अभी कॉन्फिडेंस। फिलहाल पिछले मैच में शायद शतक लगाया था यहां पे, और उसी कॉन्फिडेंस को जो है कैरी कर रहे हैं। सेकेंड इनिंग में शतक, पहली इनिंग में अर्धशतक, अब देखते हैं यहां पे लाइक दो इनिंग भारत खेलेगी तो फिर क्या दो रनिंग में शतक लगा सकते। लेकिन इस बार बेहतरीन शॉट कवर्स की दिशा में और बेहतरीन कवर ड्राइव, एक और चौका, थोड़ा सा महंगा ओवर साबित होता है यहां पे अहमद का, लाइक जैसा कि अनुमान लगाया था कि पिच बहुत ही बेहतरीन यहां बल्लेबाजी के लिए, वही होता हुआ शॉट्स आना चालू हो चुके हैं यहां पे, बल्ले पे अच्छे तरीके से आ रही है गेंद, बढ़िया तरीके से जो है ट्रेवल कर रही है, और आउटफील्ड बहुत ही तेज, तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये अच्छी गेंद है, लेकिन पांच ओवर यहां पे 22 रन भारत बिना किसी नुकसान के। कट शॉट लाइक यहां पे फ्लिक निकाला स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर मौजूद, हाथ पे जाएगी गेंद, सॉरी फुल इस्लाम, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम। तो यहां पे लाइक लेफ्ट आर्म पेसर को लगा दिया है दो राइट हैंडेड बैट्समैन देख के, जो कि अक्सर कमजोरी है भारत की, लेकिन बीते कुछ दिनों में लाइक बहुत ज्यादा रन बनाए हैं लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ, तो अब वो कमजोरी ताकत में बदलती हुई, तो मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा कुछ दिक्कत होने वाली है यहाँ पे शौरीफुल के खिलाफ, क्योंकि तो पिछले मैच में बहुत ज्यादा रन कंसीड करे थे शौरीफुल ने, लेग साइड पे ज्यादा बॉल डालते हैं, कंट्रोल उतना करते नहीं गेंद को, लाइक दैट इस बार बेहतरीन शॉट और फ्लिक कर दिया उसको फाइनल के ऊपर से, छह रन के लिए, कदमों पर दी गेंद और प्रॉपरली आशीर्वाद दिया उसको, क्या ही मजबूत कल आई यहां, टाइमिंग देखिए बहुत जबरदस्त, और मिल जाएगा पे छक्का, फिर से खराब गेंद,
आप आउटसाइड ऑफ स्टम्प डालेंगे तो वहां पे कुछ भी फायदा होगा नहीं, या तो आप जो है आउटसाइड ऑफ स्टम्प से मिडिल स्टम्प पे लाइए इन स्विंग, जो एक नेचुरल स्विंग रहता है, एक कन्वेंशनल स्विंग लेफ्ट आर्म मीडियम पेस के लिए। अगर वो नहीं कर सकते, आप बाहर की तरफ आना चाहते हैं कि आप विकेट लेना एंगल्स है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला, इतना आसान होने नहीं वाला फिर एज अ गेंदबाज, एज अ लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर गेंदबाज। तो देखते हैं यहाँ पे लाइक शौरीफुल क्या करते हैं अगले ओवर में, लेकिन पिछले ओवर कुछ ज़्यादा उतना दिखा नहीं इम्पैक्टफुल, और ना ही वो धार नज़र आई गेंदबाजी में जो एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर में नज़र आनी चाहिए। वो गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली अंदर की तरफ इन स्विंग डिलीवरीज आनी चाहिए, एक भी इन स्विंग नहीं वहाँ पे पिछले ओवर में, तो वो पेनिट्रेशन नहीं उतना ज़्यादा अभी तक फिलहाल इस ओवर में। बाकी अहमद का अच्छा ओवर जाता हुआ, अच्छी गेंदबाजी करी अभी तक, रन भले ही खाए हैं, एक दो शॉट्स भी कंसीड किए, लेकिन गेंदबाजी देखिए आप सही एरियाज में सही चैनल्स में स्टंप्स नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे। जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर खिलाते जाएंगे तो उतना आसान होता जाएगा बल्लेबाज के लिए। ये देखिए एक और बेहतरीन शॉट, और यहाँ पे स्ट्रीट ड्राइव की तो आज मतलब लाइन लगा दी है, चौका नहीं होगा लेकिन उतना ही खूबसूरत शॉट जितने पिछले दो थे, बहुत ही बढ़िया चौका होता अगर लाइक ये चाहती बाउंड्री तक, क्योंकि दो हमने निकाले थे यहाँ पे एम्पायर के लेफ्ट साइड से, ये वाला निकलता तो राइट साइड से, तो ये भी लाइक बहुत ही बेहतरीन शॉट होता है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, वहाँ पे शॉट में प्रिसीजन लेकिन उतना ज़्यादा ताकत नहीं कि जो है फेंस को पार कर सके। तो अबे 35 रन की पार्टनरशिप लग चुकी है 40 रन, ओ माय गॉड, यहाँ पे एक विकेट गिरता हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ, अहमद ने जो है विकेट ले लिया है और स्लिप कॉर्नर में आई थिंक सो पकड़े गया पे केएल राहुल हक के पास, 28 गेंदें खेली हैं और 16 रन बना के वापस जाते हुए, तो यहाँ पे एक विकेट गिरा लिया है फिलहाल 10 ओवर में बांग्लादेश ने। यह खराब गेंद है शौरीफुल की, अगर इस पर पुल पड़ता तो फिर चौका मिलता यहाँ पे, भाग्यशाली थोड़ा सा की ऊपर वाली लेंथ, अगर हल्का सा पीछे रहती लेंथ तो फिर अपने यहाँ पे प्रॉपरली मिलता चौका लाइक दैट। इस बार जो है ऑन ड्राइव की दिशा में बेहतरीन चौका लगाया है, बहुत बड़ा गैप मौजूद ऑन साइड में, उसको भेदा है यहाँ पे शरफुल इस्लाम, खराब गेंदबाजी, एंगल आपको उतना मदद नहीं देगा, आपको अंदर की तरफ लानी पड़ेगी, स्विंग करा रहे हैं यहाँ पे लेकिन मिडिल स्टंप से वो लेग स्टंप की तरफ जा रही है गेंद, तो वहां पे बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलता हुआ। ये बेहतरीन शॉट है, बड़ा प्रयास फिर से ऑन साइड के ऊपर से यहां पे लॉन्ग ऑन को क्लियर करा है, बेहतरीन छक्का, एकदम कड़क प्रहार है ये शरफुल इस्लाम, खराब गेंदबाजी, दिशाहीन और भटकते हुए यहां पे, अब आसान होने नहीं वाले, यहां पे चिप कर दिया फाइन के ऊपर से, काफी ज्यादा फाइन है, दूर भी रहेगी और बहुत ही ज्यादा फ्लैट छक्का, ये देखिए सिर्फ कलाइयों से दिशा दिखाई इस बार गेंद को, और समझाते हुए यहां पे कप्तान जो है शौरीफुल को कि आप जो है आउटसाइड ऑफ स्टंप फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी करिए, यहां पे खराब गेंदबाजी शौरीफुल की, दो छक्के खा चुके हैं फिलहाल इस ओवर में, एक और खराब गेंद ऑन साइड के ऊपर से फिर से 3 छक्के लगातार, और विचार करना होगा यहां पे अब बांग्लादेश के जो है कप्तान को, क्या आगे कंटिन्यू करानी चाहिए यहां पे जो है शौरीफुल से गेंदबाजी, बहुत ही भयानक प्रहार करा है इस ओवर में, 3 छक्के लगातार और एक चौका, बहुत महंगा ओवर जाता हुआ अभी तक का, और शायद और रन जोड़ लीजिए उसमें, वन बाउंस चौका फिर से ऑन साइड की तरफ, उस जो गैप को प्रॉपरली यूज कर रहा है, 34 गेंदों में 50 रन ठोक दिए यहां पे, बहुत ही महंगा ओवर शौरीफुल का, 4 छक्के 5 चौके, ये देखिए सुमर भाई काफी ज्यादा रन इस शॉट से करी थी लाइक शुरुआत एकदम कंट्रोल में, ये शॉट उतना ही दर्शनीय, बहुत ही प्यारा और क्लासी शॉट,
फाइनल की तरफ दिशा दिखाई, कलाई का इस्तेमाल इतनी मजबूत कलाई, और ये देखिए हेलीकॉप्टर शॉट, क्या बेहतरीन शॉट ये दर्शाता हुआ कितनी मजबूत कलाई बल्लेबाज की। 34 गेंद 50 रन, फिर से लाइक वो अपना जो रन का जो रथ है वो रुक नहीं रहा है यहां पे फिलहाल, भूख नजर आ रही यहां पे रन्स के लिए। देखते हैं क्या अभी जो है 50 को एक बड़े सेंचुरी में कन्वर्ट कर सकते हैं अफनी। लाइक अगर अभी हमारे पास दोनों चांस है, अगर हम दोनों इनिंग्स में खेलते हैं यहां पे और रन्स लगा दिए बांग्लादेश तो हम वो कर सकते हैं, लाइक दो शतक लगा सकते हैं। अच्छा शॉट है, फाइन खेला है, लेकिन पीटर मौजूद, थोड़ा सा अतरंगी शॉट ही है। अगर देखें हम एक बार रिप्ले में देखना चाहूंगा मैं इसको, हल्का सा अतरंगी शॉट ही है, काफी ज्यादा लाइक डेप्थ में चले गए थे, बैकफुट का काफी ज्यादा इस्तेमाल की क्रीज की गहराई का। ये देखिए यही बात कर रहा हूं मैं, क्रीज की लाइक गहराई का काफी ज्यादा इस्तेमाल है यहां पे, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा फाइन गया ये शॉट। ये देखिए जबरदस्त, ओ नहीं 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 नहीं, अच्छी गेंद है इस बार जो है आउटसाइड ऑफ स्टंप, यहां पे बगल से निकाला एकदम बल्ले के, वो कदमों का इस्तेमाल करके बॉल की स्विंग खत्म करना चाहते थे वहां पे, लेकिन भाग्यशाली वहां पे बाहरी किनारा नहीं पकड़ा। ये थोड़ा स्विंग प्राप्त करते हैं यहां पे हुसैन, इस बार फिर से आउट स्विंग, और ऊपर अगर आप गेंदबाजी कराएंगे तो आपको स्विंग मिलेगी, अभी भी स्विंग मौजूद इस पिच के ऊपर। और नहीं इस बार रूम बना के, लेकिन कोई संपर्क नहीं बल्ले के साथ, जरूरत नहीं है इस टाइप के शॉट की अभी, डेस्परेशन की, थोड़ा सा कंट्रोल में खेलना पड़ेगा अभी, क्योंकि रन्स ऑलरेडी आ चुके हैं, 50 लगा चुके हैं, 50 को कन्वर्ट करना है बस एक बड़े स्कोर में, तो ये इतने डेस्परेशन की अभी जरूरत नहीं है। ये सॉलिड डिफेंस, बढ़िया, लास्ट गेंद यहां पे हुसैन की, मैडन ओवर जाता हूं फिलहाल। चलिए यहां पे जो है निकाला है शॉट, अरे नहीं मुश्किल फंस सकते थे यहां पे, रन आउट होने का चांस, डायरेक्ट हिट होती तो काम बन सकता था, बट बाल बाल बच्चे यहां पे जो है भारतीय बल्लेबाज, दोनों ही एंड पे डेंजर। चलिए इस बार कट शॉट निकाला है, पॉइंट के हाथ में है, गेंद अय्यर नहीं पहुंच पाएंगे, क्या पहुंच नहीं पाएंगे, काफी ज्यादा स्लो रह गया यार वहां पे जी, हाँ विकेट वहां पे रन लिया अय्यर, एकदम सुस्त थे, कोई मतलब याद ही नहीं रहा उनको, कॉल दी और उन्होंने दौड़े ही नहीं, वो यहां पे विकेट गवाती हुई भारत, एक अनफॉर्चुनेट विकेट। श्रेयस अय्यर वापस जाते हैं 7 रन के निजी स्कोर पे, और यहां पे अब जो बल्लेबाजी के लिए आएंगे विराट कोहली, 10,000 रन टेस्ट में 131 इनिंग 131 मैचेस, काफी बड़ा माइलस्टोन। बल्ले के निचले हिस्से में लगी, लेकिन इस बार चवालीस गेंद 52 रन, 15 ओवर हो चुके हैं यहाँ पे, एक सेशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, अच्छी गेंद नहीं है, एक मिनट में आप एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो 10:31 हो रहा है अभी, फर्स्ट सेशन चालू है, एंड आई थिंक तो 12 बजे जो है हमारा सेशन एंड हो जाएगा, दो विकेट गिर गए हैं सेशन में, तो बांग्लादेश खुश होगी यहाँ पे, रन भले उन्होंने कंसीड करें क्योंकि कुछ महंगे ओवर शरीफुल इस्लाम के, वरना यहीं पे अगर 50 रन रहते दो विकेट नुकसान पे तो बांग्लादेश ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके जाती है, बट अभी भी कॉन्फिडेंस मैं कहूंगा बांग्लादेश के पास, बिकॉज दो विकेट गिरा लिए यहाँ पे भारत के, बट एक चीज बस खराब उनके लिए कि एक सेट बैट्समैन मतलब कि मैं यहाँ पे मौजूद क्रीज पे,
कि एक बैट्समैन जो है सेट हो चुका है और विराट कोहली लाइक ज़्यादा समय लेते नहीं वहाँ सेट होने में, तो अगर ये भी सेट हो जाते हैं तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी बांग्लादेश के लिए, वरना अभी तक कंट्रोल में फिलहाल। ये सही, अच्छी गेंद, अहमद ने अच्छी गेंदबाजी करी, एक विकेट यहाँ पे झटका भी है जो है केएल राहुल का, और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट वो, क्योंकि अगर उतनी साझेदारी अगर पहले विकेट के लिए लगती तो फिर बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करती बांग्लादेश यहाँ पे। और कोई बात नहीं, यहाँ पे 79 रन 84 रन, दो विकेट नुकसान पे, 16.5 ओवर लास्ट गेंद इस ओवर की। हुसैन यहाँ पे चौका मार दिया लाइक विराट कोहली ने, सॉलिड डिफेंस, यॉर्कर लेंथ, अब्दुद की, और सात ओवर की समाप्ति, 84 दो विकेट नुकसान पे, 17 ओवर का भारत। और यहाँ पे ऑफ स्पिनर को लगाया गया है अब जो है अटैक पर 17 ओवर के बाद, मेहंदी हसन मिराज, तो ये अच्छी रणनीति फिलहाल जो है बांग्लादेश की तरफ से, एक साइड से आपका मीडियम पेस और दूसरी एंड से आपका स्पिनर, तो ये अच्छी रणनीति फिलहाल दिखाते हुए बांग्लादेश के कप्तान खलील अहमद को लाइक, खलील अहमद बोल रहा हूँ, अहमद को लाइक लगाया गया है दोबारा से अटैक में, कि लंबा स्पेल चलता हुआ इनका। क्या गेंद है ये, पढ़ने के बाद बाहर की तरफ सीम प्लस स्विंग, अगर इतनी काबिलियत भरी गेंदबाजी करेंगे तो किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल होगी इस पिच के ऊपर शॉट्स लगाना, ड्राइव्स लगाना। ये देखिए तुरंत ही एक अंदर की तरफ इन स्विंग एंगल के साथ, ये काबिलियत है इस गेंदबाज की, इसको आसान नहीं है मारना। 8 ओवर में मात्र 26 रन दिए और एक महत्वपूर्ण विकेट लिया भारत का। वहीं दूसरे गेंदबाज जो है अभी तक स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, ये लेकिन अच्छी रणनीति है मेरे हिसाब से, हल्का सा लाइक हट जाओ तो एच का चांसेस कम हो जाता है। ओ नहीं 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 नहीं, बच गया भाई, ये क्या कर रहा था मैं, बाल बाल बचाओ, बाल बाल, ओ ये बेहतरीन गेंद, काफी ज्यादा क्लोज बल लेके लाइक अंत तक मैं डिसाइड ही नहीं कर पाया मेरे को मारना क्या है, लाइक शॉर्ट खेलो या फिर लाइक लीव करूं। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे लाइक ऊपर रख रहे, बट ज्यादा देर चलेगी नहीं यहाँ पे, स्पिनर हो आप थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींचना पड़ेगा, बॉल को मूव कराना पड़ेगा तब कुछ बात बनेगी, सीधा सीधा आम बॉल देंगे आप अगर स्टंप पे तो उससे काम होगा नहीं, स्वीप लगाना जानते हैं लाइक दैट। यहाँ पे जैसा कि बोला था कि अगर आप आम बॉल ऊपर के ऊपर रखते रहेंगे पैरों पे तो ज्यादा देर तक आप खामोश रख नहीं पाएंगे यहाँ पे बल्लेबाज को। बेहतरीन स्वीप शॉट गैप में से यहाँ पे स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन, यहाँ पे 56 में पहुंच चुके हैं 58 गेंदों में। ओ बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, दूर रखी इस बार हल्का सा रीच से, इसीलिए वहां पे जो है बीट करा वहां पे मेहंदी ने। ओ ये अच्छी गेंद है, यही बात कर रहा था मैं, थोड़ा सा लेंथ को पीछे कर खींचेंगे आप, ऑफ स्पिनर हैं और आप फिर अंदर ऑफ स्पिन कराएंगे तो वहां पे दिक्कत हो सकती है बल्लेबाज को, जो कि अभी हुई इस पिछली गेंद पे। एक और अच्छी गेंद लेकिन ऊपर की तरफ, तो दोनों तरफ लाइक मूव कराना जानते हैं यहाँ पे मेहंदी हसन, ऑफ स्पिन है तो अंदर की तरफ आती है ऑब्वियसली राइट हैंडर को, और प्लस दूसरा डाल के यहाँ पे जो है बाहर भी निकाल रहा राइट हैंडर के लिए बॉल। ये चलिए अच्छा शॉट है, 2 रन की मांग करी है फिलहाल, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे अब कि ऑलरेडी रनआउट में विकेट जा चुका है, अब नहीं चाहिए भारत ऐसे फालतू के विकेट्स गंवाना, तो वहां पे लाइक रोका अपने आप को। तो 62 गेंद 57 रन, ये अच्छी गेंद है, इसको लीव करना बनता है भाई, डबल स्लिप रखी है भाई मेहंदी हसन ने, तो यहां पे फिलहाल 105 रन भारत के पूरे 23 ओवर में 2 विकेट नुकसान पर, और थोड़ी देर में जो है सेशन का एंड होने वाला है, तो ये सेशन तो लाइक सरवाइव मैं कर गया हूं, कोहली भी करेंगे हमारे साथ, बट हमारे 2 विकेट गिर गए, बट कोहली ने उतनी जल्दी कवर कर दिया यहां पे,
फास्ट पेस यहाँ पे 33 गेंदों में 25 रन, समय नहीं लिया यहाँ पे, ज्यादा वेस्ट नहीं करा समय। नाइस डिफेंस भी बोल दो भाई, एक बढ़िया डिफेंस एकदम, वो बाहर जाके वो डिफेंड करा उस गेंद को। चलिए बढ़िया लीव, 66 गेंदें 57 रन, एक और सॉलिड डिफेंस, एकदम कदमों पर आर्म बोल इस बार। ओ एक और लीव, स्वीप लगाने का मन था लेकिन पीछे खींच ली लेते यहां पे जो है मेहंदी ने, शायद वो पहले ही पढ़ लिया था कि जो कदम बाहर निकाल रहे हैं यहां पे स्वीप मारने के लिए। ये लीजिए बैटरी शॉट, हल्का सा हवा में था थोड़ी देर के लिए, सांसें अटक गई होगी लेकिन काफी ज्यादा ऊपर फील्डर से, बट कभी कभी ऐसे शॉट्स जो है चिपक भी जाते हैं फील्डर के हाथ में, तो यहां पे थोड़ा सा भाग्यशाली चौका मिल जाएगा वहां पे। चलिए 61 पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे और विराट कोहली 29 पे, तो एक बढ़िया साझेदारी यहाँ पे पनपती है दोनों के बीच में, 50 रन की ऑलरेडी हो चुकी है और क्या 100 रन की पार्टनरशिप लगा सकते हैं ये दोनों बल्लेबाज, लगा सकते हैं दोनों में काबिलियत है, लंबा खेल सकते हैं दोनों, शतक भी लगा सकते हैं। अच्छा शॉट है लेकिन सीधा जो है बॉलर के हाथ में, 4.43 का अच्छा रन रेट चल रहा है अभी। एक और बेहतरीन शॉट, एक सामने डाउन द ग्राउंड मार सकते हैं मगर इतना ऊपर लगातार गेंदबाजी कर रही है। चलिए फिर से थोड़ा सा ओवर पिच गेंद ऊपर की तरफ और ज्यादा ढकेला उस गेंद को, जिसका भरपूर फायदा उठाया है, खाली वहां पे क्लियर करा है लॉन्ग ऑफ को, सॉरी मिड ऑफ को, एंड मिल जाएगा वहां पे 4 रन वन माउस चौका। ये अच्छा शॉट, ये अच्छा डिफेंस, साकिब रोहनसन लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर, तो ये लाइक अच्छा विकल्प है मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली टू मेहंदी, क्योंकि अगर राइट हैंडेड बैट्समैन को आपको आउट करना है तो ज्यादा चांसेस रहते हैं लेफ्ट आर्म जो फिंगर स्पिनर या लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर होते हैं, चाइना मैन होते हैं, तो उनके ज्यादा चांसेस रहते हैं यहाँ पे आउट करने के, और लेफ्ट हैंडेड को ज्यादा आउट करने के चांस रहते हैं ऑफ स्पिनर के, तो अगर लेफ्ट हैंडेड आते हैं वहां पे जैसे ऋषभ पंत है इसके बाद मौजूद, तब आप लाइक मेहंदी को लगा सकते हैं मेरे हिसाब से, बाकी कप्तानी तो भाई कप्तान जाने, थोड़ा सा कभी कभी लेकिन अनयूजुअल बॉलिंग भी विकेट्स दिला देती है, तो शायद वो सोच रही होगी यहाँ पे जो है बांग्लादेश के कप्तान की, बट ठीक है हमारे लिए अभी फिलहाल फायदा होता हुआ। ओ अच्छी गेंद है, अहमद काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं, अभी भी सेकंड स्पेल में लाया गया है इनको, क्योंकि विकेट्स ये बांग्लादेश जानती है अगर ये साझेदारी पनप गई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा विकेट्स निकालना। काबिलियत रखते हैं बड़ी इनिंग्स खेलने में दोनों ही, दोनों 200 लगा सकते हैं, ऑलरेडी 200 लगा चुका हूँ मैं, 300 भी लगा चुका हूँ, तो बड़ा इनिंग खेल सकते हैं यहाँ पे 200 250 300, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी बांग्लादेश के लिए। लाइक देखते हैं आउट कर पाते बांग्लादेश के, नहीं कर पाते फिर, अगर 200 लग गए तो फिर मतलब वो टायर्डनेस की वजह से ही जो हो सकता है डिक्लेयर करनी पड़ेगी इनिंग, आउट करना Waiting. तो आसान नहीं होगा इनके लिए। तो 121 रन 127 रन 29 ओवर के बाद दो विकेट के नुकसान पे यहाँ पे, और विराट कोहली जो है नजदीक बढ़ते अर्धशतक के। ओ अच्छी गेंद, कट निकालना चाहते थे, खराब शॉट, वो ग्लव्स में लग के विकेट में भी लग सकती थी, ये देखिए क्या बात कर रहा हूं मैं, बहुत बेहतरीन गेंद थी है। अहमद खालिद अहमद मुश्किलें बढ़ाते हुए यहां पे जो है
ये देखिए एल्बो में लगी वो, और अच्छी चीज कि वो अंदर की तरफ नहीं गई बॉल, वरना यही बॉल जो है स्टंप में भी घुस सकती थी किनारा विनारा लेके। लेकिन वहां फीडर मौजूद गली में, गैप मौजूद है बट उतना ही रिस्की है, वहां पे थोड़ा शॉट मार रहा, बट हाँ अगर निकलता है ज्यादा विड देते तो फिर चौका भी लग जा सकता वहां पे। फिर से गली गैप में और ज्यादा फाइन खेलना होगा यहाँ पे, और ज्यादा फाइन। नहीं फिर से गली गैप में, आसान नहीं वहां पे थर्ड मैन पे निकालना। लेट्स सी क्या भी वेट देते हैं दोबारा से। चलिए नहीं दी वेट यहाँ पे एकदम जड़ में, थोड़ा सा फुलर लेंथ डिलीवरी, स्टेप आउट करके मार सकते थे बट अभी रिस्क लेने की जरूरत है नहीं, रन्स आराम से आ रहे हैं तो क्या ही अभी फालतू स्टेप आउट वगैरह करना। अच्छा ओवर यहाँ पे खालिद का, तो यहाँ पे एक मिड ड्रिंक्स ब्रेक, उसके बाद अभी सेशन समाप्ति होगी थोड़ी देर में। इजी बॉय, यहाँ पे बढ़िया पार्टनरशिप लगती हुई फिलहाल, कोहली 48 पे पहुंच चुके हैं अर्धशतक के एकदम नजदीक। चलिए यहाँ पे सेशन की समाप्ति, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी क्या है मामला जो है सेशन की समाप्ति के बाद। तो यहाँ पे फर्स्ट सेशन भारत का समाप्त होता हुआ और 65 रन पे फिलहाल मैं खेल रहा हूँ नाबाद। केएल राहुल का विकेट जा चुका है 16 रन पे, श्रेयस अय्यर 7 विकेट के नुकसान पे आउट, और यहाँ पे विराट कोहली खेलते हैं 48 रन पे, 2 रन मात्र दूर अपने अर्धशतक से। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा जो डामाडोल हुई थी भारत की पारी वो कंट्रोल में आ चुकी है। तो इस एपिसोड करते गाइस यहीं पर एंड, इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में, और फिर देखते हैं कि हम और विराट कोहली, मैं और विराट कोहली मिलकर जो है एक बड़ी इनिंग बिल्ड कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। तो मिलते हैं गाइज आपसे जो है अगले एपिसोड में। ये एपिसोड अगर आपको पसंद आए उसको लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं गाइज आपसे अगले एपिसोड होता है जो है, ख्याल रखिए अपना एंड गुड बाय।